हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन फ्राइडे का है तो आज ऑफ है और अभी सो के उठा, 11 बज गए। तो आज का जो मेरा वीडियो है, तो भाई ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। मतलब यार, मेरे को सुन के हैरान हुआ 3 दिन पहले कि कनाडा जो कनाडा कंट्री है, ठीक है, तो डिफरेंट दुबई का वीडियो आज नहीं है, आज कनाडा के लिए वीडियो है। जो कनाडा का जो पीआर है ना, जो परमानेंट रेसिडेंस मिलता है उधर रहने के लिए, जो पक्के होते हैं, राइट, तो उसका कुछ अब की बट डिफरेंट आया। मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, मतलब आज तक ऐसा लाइफ में कभी हुआ ही नहीं। तो मेरे जितने फ्रेंड थे ना सारे, चाहे लड़की थी चाहे लड़का था उधर, तो सारे के सारे पक्के हो गए, सारे के सारे, ठीक है। तो क्या सीन रहा मैं बताता हूँ। 23,300 कुछ के करीबन सारे के सारे पक्के हुए, जिनमें उनका भी नाम था। तो क्या हुआ, कनाडा गवर्नमेंट ने क्या किया अब की बार, एक डिफरेंट तरह का एक पीआर की जो स्कीम थी, रूल था, वो ओपन किए। कैसे बताता हूँ कि उसको इस तरह से किया। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बोला तुम क्या करने के लिए आए थे, स्टडी, क्या 1 साल का किया? अच्छा जी, वर्क एक्सपीरियंस है, नहीं है, चल तो भी पकड़ पीआर। तुमने क्या किया, डिग्री किया? वर्क एक्सपीरियंस है, नहीं है, चल तो भी ले पीआर। क्योंकि उसने किया कि यार, जब कोरोना के टाइम में किसी के पास जॉब भी नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे करेगा, सही है ना? जब उसको पास जॉब भी नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे होगा। अच्छा, तुम क्या करने के लिए आए थे, वर्क परमिट पे आए थे? अलमा ये नहीं है, ये पकड़ तू पीआर। मतलब जो भी बंदा कनाडा के अंदर है, जिसने मिस्टेक से भी अपनी फाइल सबमिट की थी पीआर के लिए, क्योंकि मिनिमम 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट, जैसे ओंटारियो वगैरह में हो गया, तो 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है वर्क परमिट की। पहले स्टडी कंप्लीट करो, अगर जो कोई स्टडी वीजा पे हो या कोई वर्क परमिट पे गया हो, तो उसको मिनिमम उसको LMI चाहिए होती है, प्लस उसको 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, और वो भी डिफरेंट कैटेगरी में। वो उसके बाद जाके पीआर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट फीस होते हैं, शायद $1,500 आई डोंट नो कितनी होती है, ठीक है। और मेरे दोस्त ने ऐसे किया, मतलब एक नॉर्मली एक का तो एक्सपीरियंस ओनली 1 ईयर का ही था, ठीक है, और उसने उसमें जॉब नहीं मिला, ओनली डिप्लोमा कंप्लीट किया था अपना 12th के बाद, डिप्लोमा कंप्लीट किया उसके बाद में ऐसे ही सबमिट किया था, वो सबको सबके पीआर हो। मतलब यार, गवर्नमेंट की कोई कोई सोच नहीं सकता कि भाई गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ठीक है। तो भाई कनाडा गवर्नमेंट को भाई सलाम है, और इतना एक गुड न्यूज़ सभी के लिए निकाल दिया। और ये पहला ड्रॉ था, अभी निकला दूसरा ड्रॉ। और हाँ, पॉइंट पहले जो पक्के होते थे ना पीआर के, वो 480-475, मतलब 450 से ऊपर ड्रॉ निकलते थे, उसमें पॉइंट वाइज बनते हैं, एज के, एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के, टोटल मिला के उसमें पीआर मिलती थी, ठीक है। अभी क्या किया, ओनली 75 पॉइंट पे, ओनली 75 यार, वो तो एज में मिल जाते हैं आदमी को। दुबई की कनाडा के अंदर अगर जो 1 ईयर रहता है उसकी मिल जाता है 120-100 से ऊपर, तो यार एवरी वन बंदे के 75 पॉइंट्स होते हैं अचीव कर, या कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो तो आदमी को एज पे मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे एज किसी की 28-29 से नीचे है तो उसको 120-114 के करीबन पॉइंट मिलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर एवरी वन पर्सन फॉर इनसाइड द कनाडा। तो इतना अच्छा लगा सुन के, जब मेरे को बताया ग्रुप में बात हुआ कि भाई सारे के सारे पक्के हो गए भाई मजे करो लाइफ में, 4 साल बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दो, और सारे अभी मूल इंडिया वापस आ रहे हैं सारे के सारे, मैं कहा भाई मजे करो, चिल करो यार, ठीक है। तो भाई मेरे मतलब इस वीडियो को बताने का मकसद यह था कि गवर्नमेंट कब क्या डिसीजन ले किसी को कोई पता नहीं, ठीक है। तो इतना अच्छा कनाडा गवर्नमेंट ने ये सबके लिए पीआर के लिए इतना इजी किया, मतलब आज तक इतना इजी यार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कभी भी। मतलब एक एक पॉइंट करने के लिए लड़के एक मतलब राज्य से राज्य बोल सकता हूँ मैं, प्रिवेंस से दूसरी प्रिवेंस में जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उधर उनके पॉइंट कम के ज़्यादा हो जाते हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो भाई यही सब कुछ था, तो अपने ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय बाय।